विद्यार्थी मित्रों आपणे लास्ट टाइम चोकड़ी गुणाकार नी रीत 3.5 स्वाधी पूरु कर्युं एमां मैं तमने थोड़ा दाखला तमारी जाते पण प्रेक्टिस माटे करवा माटे आपेला हता। हवे आपणे आम जोईए तो आ रीतमां न गणी शकाय पण समीकरणोने परिवर्तित स्वरूपमां फेरवाना रहेशे, एटले के आपणुं व्यापक स्वरूप छे ने ए टाइपना समीकरण न बनता होय एटले एने परिवर्तित करवा पड़े। तो कई रीते परिवर्तित करीए छीए, एक सरखा घणा बधा दाखला छे, प्रेक्टिस पण सारी एवी थई जशे। तो आपणे 3.6 शुरू करीए अने एनी सूचना जे आपणने पेज नंबर 56 पर आ रीते आपेली छे। नीचेना समीकरण युग्मने योग्य आदेश वडे सुरेख समीकरण युग्ममां रूपांतरित करीने तेमना उकेल मेळवो। तो दाखला नंबर 1 नी अंदर पेलो दाखलो आपणे शुरू करीए। एकना छेदमा 2x, एकना छेदमा 2x वत्ता एकना छेदमा 3y वत्ता एकना छेदमा 3y बराबर 2। अने बीजू समीकरण आप्युं छे एकना छेदमा 3x, एकना छेदमा 3x वत्ता एकना छेदमा 2y, एकना छेदमा 2y बराबर आप्या छे आपणने 13/6। तो सौथी पहेला आपणे आ समीकरणोने परावर्तित करी एक सादू समीकरण आपणा व्यापक स्वरूप मुजब गोठवाई जाय एवुं बनावानुं छे। पछी आपणी पासे त्रण विकल्प छे, आदेशनी रीते लई शकाय, लोपनी रीते उकेल करी शकाय, चोकड़ी गुणाकारनी रीते करी शकाय। आलेखनी रीत आपणे आमां समावेश करता नथी कारण के रीत लांबी पड़े, आलेखनी जरूर पड़े, एना करता त्रण रीत छे बेटर छे। एमां सौथी वधारे जो पसंद करवानी आवे तो लोपनी रीत पसंद कराय कारण के एनो बीजा घणा बधा प्रकरणनी अंदर चेप्टर्समां पण उपयोग थाय छे। तो आपणे एमां शुं करवानुं थाय छे ए आपणे जोईए। तो धारणा आ रीतनी थशे, लगभग दाखलामां सरखी हशे, हुं हाईलाइट करू छुं। धारो के एकना छेदमां एक्स बराबर ए तथा एकना छेदमां वाय बराबर बी लेता। हवे आपणे आ जे अपूर्णांक स्वरूपे एक्स अने वाय छेदमां नड़तर रूप थाय छे एने आपणे परावर्तित करीने सोल्व करशुं के ए आपणने नड़तर रूप न थाय। तमे ट्राय करजो एक वखत, 3y ना अहींया गुणाकार करी, 2x ना अहींया गुणाकार करी, नीचेनानो नीचे गुणाकार करी, व्यापक स्वरूप मुजब तमने समीकरण मळशे नहीं। तो आ आपणे टेम्पररी उपाय छे, पहला एने व्यापक स्वरूप में फेरवी नाखवाना परावर्तित करी, पछी पाछो छेल्ले जवाब जे आवतो होय फरीथी फेरवीने मूकी देवानो। एक दाखलो जोईए एटले तमने थोड़ी वधारे समजण पड़शे। चलो तो एकना छेदमां एक्स देखाय त्यां ए लखवाना, अहींया मने एकना छेदमां एक्स नथी देखाता, 2x देखाय छे, तो 2 ऊपर थोड़ी पर हाथ राखी दे। तो के हा हवे एकना छेदमां एक्स देखाय छे, तो एनो अर्थ एम थाय के एकना छेदमां एक्स देखाय छे। तो आ समीकरण जे आपणने आपेलुं छे ए आपणे लखीए तो एकना छेदमां एक्स छे एना बदले आपणे शुं लखवानुं छे, ए, अने छेदमां आपणने बे एक नड़तर रूप थशे तो एने आपणे लखी नाखीए। कई रीते? फरीथी कहुं छुं, आना पर हाथ राखीए, एकना छेदमां एक्स एटले ए लखवानो, बे तो ओलरेडी छेदमां ज छे, आना बराबर ए लखी अने छेदमां आपणे लखशुं बे, प्लस एकना छेदमां वाय देखाय त्यां बी लखवानो। आ एकना छेदमां वाय आ त्रण नीचे छे एना पर आपणे थोड़ी वार हाथ राखी दई, आना बराबर आपणे बी लखवानो छे, छेदमां तो त्रण छे ज, तो बी ना छेदमां त्रण एटले मळ्या बे। चलो एवी ज रीते आ समीकरण आगळ हवे थोड़ी समजण पड़ी हशे तमने। एकना छेदमां एक्स एटले ए, छेदमां त्रण एना छेदमां त्रण वत्ता बी ना छेदमां बे बराबर 13/6। अत्यार सुधी आपणने एक्स अने वाय एवा बे ज चल जवाबमां मळता, आ चल बदली गया ए अने बी। टेम्पररी आपणे ए अने बी नो जवाब मेळव्यो तो चोकड़ी गुणाकार करू छू, 3 आने अरे गुणाकार करे तो 3a, 2 आने अरे गुणाकार करे तो 2b, नीचे नीचे नी साथे गुणाकार करे तो 6 बराबर 2।
समीकरण में छ ने सामे ले जासू त्रण ए बे बी अने छ बे बार आ आपणुं समीकरण एक मळे। चलो अहींया करीए बे ने अहींया गुणाकार में ले जासू त्रण ने अहींया छेद में त्रण बे छ बराबर तेर ना छेद में छ बन्ने ना छेद सरखा छे कट करी सकाय तो समीकरण आ रीते मळे बे ए त्रण बी बराबर तेर समीकरण नंबर बे। चलो अपना दाखला ने अपने लोपनी रीते उकेल करी सकीए आदेशनी रीते उकेली सकीए अने चोकड़ी गुणाकारथी पण करी सकीए जे रीत आपणने अनुकूळ आवे ए रीते तमे जवाब मेळवी शको कोई पण रीते आपणने जवाब मळशे। चोकड़ी गुणाकार नी रीत तो आपणे हमणा 3.5 मां पूरी गई लोपनी रीत थोड़ी आगळ छे आदेशनी रीते आपणे अगाउ शीखाता तो एने थोड़ी याद करी लईए। तो आ दाखला नी अंदर आपणे तमे जोशो तो क्रॉस थाय छे अहींया 3 ए आवे तो अहीं 3 बी आवे अहींया 2 बी आवे तो अहींया 2 ए आवे छे। तो लोपनी रीत लेवा माटे ए वाला पद ने कां तो सरखा करीए अथवा तो बी वाला पद ने सरखा करीए तो आपणे बे नो घड़ियो बी वाला पद ने आपणे सरखा करवानो प्रयत्न करीए बे ने 3 हारे गुणीए तो 6 थाय 3 ने 2 हारे गुणीए तो एमाय 6 थई जाय एटले बन्ने पद सरखा थई जाय पण बन्ने समीकरण ने गुणाकार करवो पड़शे। आ रीते समीकरण 1 ने 3 वडे तथा समीकरण 2 ने 2 वडे गुणता आपणे सीधुं लखी नाखीए गुणीने लोप लेता एटले सीधी ज बादबाकी आपणे करी शकीए। चलो तो गणतरीमां ध्यान आपीए पहेला समीकरणना दरेक पदने 3 वडे गुणवाना छे भूलाय नहीं। चलो 3 वडे गुणाकार शुरू करू छू 3 3 9 2 3 6 12 3 36 અહીંયા બીજું સમીકરણ એને બે વડે ગુણવાના 2 2 4 3 2 6 13 2 26 મેં અગાઉ દખી નાખ્યું છે લોપ લેતા એટલે હું સીધી બાદબાકી કરું છું હવે નિશાની બદલશું પ્લસ 6 બી અને માઇનસ 6 બી नीचे नी निशानी जोवानी आ कट थई गया 9 माथी 4 बाद करीए तो 5 ए मळशे 36 माथी 26 बाद थाय तो 10 मळशे। जो ए नी किंमत मेळवी होय तो 5 ने छेदमां लई जवा पड़े तो ए बराबर 10 ना छेदमां 5 तो ए नी किंमत आपणने मळे 2। अपना चल में ए नो तो एक्स तो धारणा प्रमाणे टेम्पररी आपणे परिवर्तित करीने ए धारेलो हतो एटले ए आपणने जवाब मळी नथी गयो हजी आपणे आगळ प्रोसेस करवानी छे पण पहेला आपणे बी नी किंमत मेळवी लईए। आ ए नी किंमत समीकरण 1 अथवा 2 मां मूकी देवानी तो समीकरण 1 मां मूकीए समीकरण 1 मां ए बराबर 2 मुकता हवे आ समीकरण में किंमत मूकी आपणे ए नी जग्याए 2 आ 3 કૌંસમાં 2 પ્લસ 2 બી બરાબર 12 3 2 6 6 ને આપણે આ બાજુ લઈ જાય માઇનસ માં તો 12 માંથી 6 માઇનસ થાય तो आपने मळे बी बराबर 12 माथी 6 जाय तो 6 बगड़ो गुणाकार में हतो जे मैं अहीं नथी लख्यो सीधा छेद में लई ले अने बी नी किंमत मळे 3 तो आपने ए अने बी नी किंमत आपने मळी गई। आ धारणा कई रीती मैं हाईलाइट करेली छे एमां मूकी दईए। चलो तो आपणे आवुं कंईक दायरुं हतुं
કે એક ના છેદ માં એક્સ બરાબર એ આપણે સગવડ માટે પરિવર્તિત કરીને ધાર્યા હતા, પાછું આપણે હતું એમ કરી નાખવું પડે. ચાલો આમાં આપણે એક ના છેદ માં એક્સ એ એટલે કેટલા, બે. હવે જો આપણે એક્સ ની કિંમત જોતી હોય તો આ એક્સ ને નીચેથી ઉપર લઈ જવાય, બે ને ઉપરથી નીચે લઈ જવાય, તો કઈ કહું બને? એક્સ ની કિંમત આપણને એક ના છેદ માં બે મળે. આ આપણો ફાઈનલ આન્સર કહેવાય, એને હું બ્લુ માર્કર થી હાઈલાઈટ કરું છું. સેમ વસ્તુ આપણે આમાં વાય માં લઈ લીધી, એ લખી નાખીએ. ચાલો તો એક ના છેદ માં વાય બરાબર આપણે બી થયો, તો બી ની કિંમત આપણને કેટલી મળી હતી, તો કે ત્રણ. એક ના છેદ માં વાય બરાબર ત્રણ. આ ત્રણ અત્યારે અંશમાં છે, એને છેદમાં લઈ જાઓ, વાય ને છેદમાંથી અંશમાં, તો વાય બરાબર એક ના છેદમાં ત્રણ. તો એક્સ અને વાય ની બંને કિંમતો આપણને આ રીતે સમીકરણને પરિવર્તિત કરીને મળે. ક્યારે ખબર પડે કે આપણે સમીકરણને પરિવર્તિત કરવાના છે? આપણા મુખ્ય ચલ હશે એ છેદમાં હશે, અને કદાચ તમે ભૂલથી રેગ્યુલર ની જેમ દાખલો ગણવા માંડો તો આ ગુણાકાર ને એવું કરશો ને એટલે તમને એક્સ અને વાય એક સાથે ભેગા થઈ ગયેલા દેખાશે, એટલે તરત આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે આ દાખલાની અંદર આપણે કઈક ભૂલ કરેલી છે. ત્યાર પછીનો આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. તો બીજા દાખલાની અંદર પરિવર્તિત સ્વરૂપની અંદર થોડો ફેરફાર કરેલો છે, આપણને વર્ગમૂળ વાળી રકમ આપેલી છે, અને મારા ખ્યાલથી વર્ગ અને વર્ગમૂળ તમને લોકોને અગાઉ ચેપ્ટરમાં આવી ગયું છે, આગલા ધોરણોમાં થોડાક એક વખત ઘડિયા, વર્ગ વર્ગમૂળ, ઘન અને ઘનમૂળ બધા ઉપર નજર ફેરવી લેવી, એટલે સામાન્ય ગણતરીમાં વાર ઓછી લાગે, આપણો સમય ઓછો બગડે. ચાલો બીજી રકમ, બે ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ. બે ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ વત્તા ત્રણ ના છેદમાં વર્ગમૂળ વાય. ત્રણ ના છેદમાં વર્ગમૂળ વાય બરાબર બે. બીજું સમીકરણ, ચાર ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ. ચાર ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ ઓછા નવ ના છેદમાં વર્ગમૂળ વાય બરાબર ઓછા એક આપણને આપેલા છે. ચાલો આમાં પણ ઉદાહરણને હાઈલાઈટ કરું છું. છેદમાં એક્સ અને વાય દેખાણા એટલે ખબર પડી ગઈ કે પરિવર્તિત રીત કરવાની છે. ધારો કે એક ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ એટલે એ ધારી લઈએ, અને એક ના છેદમાં વર્ગમૂળ વાય એટલે બી ધારણા કરી લઈએ. ધારો કે તો લખ્યું છે તો અહીંયા લેતા એવું શબ્દ કરી નાખીએ. ઓકે, આગલા દાખલામાં નીચે એક્સ ની બાજુમાં પણ કઈક હતું, આમાં તો કઈ નથી. એક ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ, બે ઉપર હાથ રાખી દઉં તો ઉપર કઈ ન વધે એક, એક ના છેદમાં વર્ગમૂળ એક્સ એટલે એ, આ એની બાજુમાં બે ને આપણે જોઈન્ટ કરી દઈએ. તો સમીકરણ પેલું કઈક આ રીતે બને, ટુ એ પ્લસ થ્રી બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ. આમાં ફોર એ માઇનસ નાઇન વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વન. ચાલો આગલો દાખલો આપણે લોપની રીતે કર્યો હતો, આદેશની રીત આપણે આની અંદર થોડીક તાજી કરી લઈએ, રિવિઝન થઈ જાય. યાદ રાખજો, રીત કોઈ પણ લઈ શકાય, જરૂરી નથી કે હું લોપની રીત લઉં છું તો તમારે લોપની રીત જ લેવી, તમે કોઈ પણ રીતે દાખલો કરી શકો. જે રીત ઓછી ફાવતી હોય એની પ્રેક્ટિસ વધારે કરવાની. આદેશની રીતે ઉકેલ લેતા અહીં હું લખી દઉં, આદેશની રીતથી ઉકેલતા. તો આદેશની રીતમાં આપણે કઈ કીધું તું યાદ કરાવી દો, કોઈ પણ એક ચલને આપણે એકલા કરવાના છે, અહીં આપણે વાય લખ્યા છે ત્યાં શું આવશે, બી. ઓકે, હવે આપણે શરૂ કરીએ. ત્રણ બી ને સામે લઈ જાઉં છું, બે માઇનસ ત્રણ બી
आ बे ने छेद में ले जाओ तो बे माइनस त्रण बी छेद में बे। हवे एनी आ किंमत समीकरण बे में आपणे मूकवानी छे। आ आपणुं बीजुं समीकरण छे, अहींया पहेलुं छे अने आपणे बॉक्स करता समीकरण बे मां ए बराबर बे माइनस त्रण बी छेद मां बे मुकता। चलो तो आपणुं समीकरण बीजू चार ए ओछा पेला समीकरण लखी ज नाखीए। चलो नौ बी बराबर माइनस एक आ समीकरण लिखू आपणे। ज्यां ए देखाय त्यां आ किंमत मूकवानी छे। अहींया आ चार तो कौंसमां बे माइनस त्रण बी छेदमां बे ओछा नौ बी बराबर ओछा एक आ बने नो छेद उड़ी सके बे बे चार बगड़वानी यारे गुणाकार करे बे बे चार बे त्रण छ बी नौ बी एमना एम अने ओछा एक एमनो नौ अने छ माइनस पंदर बी बने आ चार प्लस छे सामे जवा दऊं छू तो ये माइनस थाय ओछा एक तो हता ज पंदर बी एमनो चार ने एक पांच पंदर ने आपणे छेद में लई जासू निशानी साथे ई छेद में जाए तो पांच त्रण पंदर घणा विद्यार्थी आमां खाली त्रण लखी नाखे मोटी संख्या नीचे छे तो त्रण छेद में आवे तो कंईक आवुं लखाय के भाई बी बराबर एक ना छेद में त्रण आ आपणो जवाब गणाय। त्यार पछी बी नी किंमत उपरथी ए नी किंमत आ बॉक्स में मूकी दईए ए बराबर बे माइनस त्रण बी छेद मां बे मां बी बराबर एक ना छेद मां त्रण मुकता अहीं हूं एक ना छेद मां त्रण मुकू छू आ त्रण काउंस मां एक ना छेद मां त्रण आखा ना छेद मां बे आ त्रण त्रण कट करी शकाय तो ऊपर वधे एक अने नीचे बे एक ना छेद मां बे तो आ आपणने किंमतो कई मळी बी अने ए नी एटले के परिवर्तित कर्या त्यार पछीनी पण पहेली किंमत तो एक्स नी तो जोईए। चलो तो एनी वेल्यू मूकीए एक ना छेद मां वर्गमूळ एक्स एटले ए हता एक ना छेद मां वर्गमूळ एक्स एटले ए एटले केटला आव्या हता एक ना छेद मां बे बन्ने ने व्यस्त करी नाखीए व्यस्त एटले अंश अने छेद ने ऊपर नीचे। चलो तो आवुं कंईक बने वर्गमूळ x बराबर बे अहींया वर्गमूळ नी टोपी आपी छे ई काढवी होय तो सामे वर्ग करवो पड़े तो बे नो वर्ग चार x बराबर चार आ किंमत आपणने मळी गई। आवी रीते y नुं आपणे जोईए एक ना छेद मां वर्गमूळ y बराबर बी आवुं आपणे धारणा करेली हती किंमत मूकीए बी नी किंमत आपणे मळी एक ना छेद मां त्रण आ एक ना छेद मां वर्गमूळ y बराबर एक ना छेद मां त्रण बन्ने मां ऊपर एक आपेला छे व्यस्त करी नाखीए तो के वर्गमूळ y बराबर त्रण वर्गमूळ काढी सामे वाळाने वर्ग आपीए तो y बराबर नौ। तो आ रीते आपणे x अने y नी किंमत परिवर्तित स्वरूप करी अने मेळवी शकीए। दाखलानी अंदर नवुं कंई छे नहीं वच्चे परिवर्तित नो एक खाली पोर्शन एक नवो आव्यो प्रेक्टिस मां दाखलाओ रिपीट करवा अने बधा दाखला जे हुं करावुं छुं ए नोटबुक मां लखवा एटले एक आपणी पासे रेकॉर्ड रहे अने ज्यारे आपणे तैयारी करवी होय त्यारे आपणे जोई शकीए। प्रेक्टिस वर्क मां पण घणा बधा दाखला आप्या छे आ सेशन पूरो थाय त्यार पछी नेक्स्ट टाइम हुं तमने आनी प्रेक्टिस ना दाखलाओ पण आपीश।